झारखंड के साहेबगंज पुलिस ने चर्चित व्यवसायी अरुण शाह अपहरण हत्याकांड का खुलासा करते हुए मामले के मास्टरमाइंड संथाल लिबरेशन आर्मी के सरगना सैमुअल हांसदा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने सैमुअल हांसदा के पास से एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और एक डायरी बरामद किया है। जानकारी देते हुए जिले के SP अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि उक्त अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, जहां फिरौती नहीं मिलने पर आरोपी ने व्यवसायी की हत्या कर दी थी। वहीं उन्होंने बताया कि मामले के उद्भेदन को लेकर एक SIT का गठन किया गया था, जिन्होंने बेहद ही सूझबूझ के साथ पूरे मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीते 21 जून को बोरियो थाना क्षेत्र के व्यवसायी अरुण शाह की अपहरण के बाद अपराधियों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। वहीं बुधवार को पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। बोरियो थाना में अरुण शाह की गिरफ्तारी में शामिल अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु एक SIT का टीम SDPO साहेबगंज और SDPO बड़ाड़ा के नेतृत्व में किया गया था, जिस टीम में हमारे ऑफिसर इंचार्ज रांगा, बुरियो, बरहेट और अन्य थाना प्रभारी भी थे और बल को लगाया गया था। जैसे आप सभी जानते हैं, पूर्व में भी इस अपहरण कांड में 4 लोगों को भेजा गया है और गोलीकांड में 2 लोगों को भेजा गया है। उसी क्रम में इस घटनाक्रम के मुख्य अभियुक्त सामुएल हंसदा को बीते रात 14-15 की रात में गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से एक देसी पिस्तौल, 315 का 4 कारतूस, 2 मोबाइल और एक डायरी बरामद की गई है। इसका जो अरुण शाह की अपहरण और हत्या में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है और इसके साथ आर्म्स एक्ट का एक अलग से केस होगा, क्योंकि ये जब पकड़ा गया तो आर्म्स एक्ट इनके साथ है और इसमें हमारी टीम ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सभी को उनके सराहनीय कार्य के लिए अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। इंडिया न्यूज़ वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट।